पाप फाउंडेशन से जुड़े सम्मान मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित अन्य सम्मानितगण, बच्चे और बच्चियां, मैं एलएनडी महाविद्यालय परिवार की ओर से इस शुभ अवसर पर उस महान विभूति के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक बधाई करता हूँ, शुभकामना देता हूँ और एलएनडी महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं मुन्ना जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी तरह की गतिविधियाँ समाज में खास करके बच्चों के बीच होनी चाहिए जिससे उन्हें ऐसा लगे कि हमें समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अब्दुल कलाम साहब एक बात कहा करते थे कि सोने के बाद जो सपने देखे जाते हैं वे पूरे नहीं होते, लेकिन जगे हुए समय में जो सपने देखे जाते हैं और उसके लिए हम कर्तव्य करते हैं वो अवश्य पूरा होते हैं। इसलिए आपको स्वप्न देखना है, वह वास्तविकता हो अथवा न हो, इस पर विचार नहीं कीजिए कि यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन स्वप्न देखिए। क्योंकि दो शब्द मैं के बारे में मैं विभेद करूंगा, बहुत कम समय है मेरे पास, अभी मीटिंग चल रही है कॉलेज में, बहुत जरूरी। एक शब्द है इल्यूजन और एक शब्द है रियलिटी। एक वो जो वास्तविकता है जो आप देखते हैं और एक वो जो वास्तविकता नहीं है, भ्रम की स्थिति है, इल्यूजन है। अधिकांश लोग समझते हैं, इस पर कभी विस्तृत चर्चा होगी, बहुत लंबा यह विचारणीय प्रश्न है, लेकिन उसको शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं कि इल्यूजन जिसको हम नहीं देखते हैं उसको नहीं मानते। तो जरा विचार कीजिए कि आज से 50 साल पहले किसी ने कल्पना की होगी क्या कि हम बात जो करते थे या आज भी करते हैं वे 5-6-10 फीट की दूरी पर दो व्यक्ति बात करते हैं। इतना ही कल्पना थी कि आमने सामने बात करना। किसने कल्पना की होगी 50 साल पहले कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भारत में बैठकर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपस में बात कर सकता है? उस समय कोई कहता तो कहता कि यह पागल है। उस समय वह इल्यूजन था और आज वह रियलिटी है, वह हो रहा है। इसीलिए भले ही आपको लगे कि यह हो नहीं सकता, लेकिन भविष्य में वह सभी बातें होती हैं। दुनिया में आर्टिफिशियल, ये माइक आपके पेट में, कलम, कुछ भी जो देख लीजिए बनाया हुआ है, वह उसके पहले इल्यूजन था कि यह नहीं हो सकता है, लेकिन वह सब वास्तविकता में बदल गई। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसको करने की जरूरत है। और मैं सभी अपने देश के बच्चों को आह्वान करता हूं कि आप भी स्वप्न देखिए और उसको पूरा करने के लिए एकदम अपने कर्तव्य का जी जान से पागलपन की तरह उसको पूरा करने में जुट जाइए, अवश्य सफल होंगे और उस इल्यूजन को वास्तविकता में बदलेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत।